Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. If you are new to this channel, my name is Saba and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 kg दाल ली है और 1/2 kg मेरे पास चिकन है। 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon सॉल्ट और 1 tablespoon हल्दी पाउडर डाल के मैंने उसमें 1 tablespoon ज़ीरा ऐड किया है और उसको मैंने 20 मिनट के लिए बेक दिया है। और हमारी दाल जो है वो गल चुकी है क्योंकि मैंने उसको पहले से ही 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, इसलिए 20 मिनट में हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसको हमने अच्छे से कूट लेना है, मिक्स कर लेना है, लेकिन मैंने इसको चॉपर में नहीं डाला क्योंकि चॉपर में डालने से जो चिकन के रेशे होते हैं वो कट जाते हैं और फिर रेशेदार जो है वो शामी कबाब तैयार नहीं होता। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डालनी है और साथ में इसमें थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और साथ में मैंने इसमें हरी मिर्च डाल ली हैं और गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच। इसमें मैंने लहसुन पाउडर डाला है, वो भी मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल लिया है, आप 1 tablespoon भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने 1 अंडा इसमें डाला है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं लेकिन आपने देखा होगा पड़ा हुआ अंडा मैंने इसके अंदर डाला है और मैंने इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। और ये जो हरे मसाले हैं ये हमने पहले नहीं डाल लेंगे, जब दाल और हमारा चिकन गल जाएगा फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और अब इसमें आप जिस साइज़ के भी चाहें, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, जिस तरह के आपको पसंद हैं वो कबाब बना सकते हैं। अगर आपका ये मिक्सचर पतला हो जाए तो आपने इसको फ्रीज़र में रखना है और फ्रीज़र में रखने के बाद थोड़ी देर के बाद निकालेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपका मिक्सचर पतला हो, कबाब टूट रहे हों, ठीक से बन ना रहे हों, तो आपने इसमें बेसन ऐड करना है। लेकिन बेसन को आपने पहले भूनना है और बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ऐड करना है, वो भी इस सूरत में अगर आपके कबाब जो है वो नरम हो। जब आप प्रेशर कुकर को खोलेंगे और जो आपके चिकन और दाल जब गल चुके होंगे तो अगर आप पानी को अच्छी तरह से खुश कर देंगे तो आपका मिक्सचर नरम नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर वो नरम होता है तो आप उसको दोबारा से चूल्हे पर रख दें और दोबारा से आप थोड़ी देर के लिए उसको पकाएं ताकि आपका जो मिक्सचर है वो सख्त हो जाए। इस तरह से आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, वो नरम नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। अब मैं आपके साथ दूसरा मेथड शेयर करूँगी, ये है आलू चिकन के कबाब का। आलू और चिकन मैंने बॉईल कर लिए हैं, साथ में मैंने इसमें अब शिमला मिर्च डाल ली है और पुदीना डाला है। इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक काट के वो ऐड कर ली है। साबुत मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है 1 tablespoon, 1 tablespoon सॉल्ट ऐड किया है, 1 tablespoon मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और मैंने इसमें लहसुन पाउडर जो है वो भी 1 tablespoon ऐड करना है। इसके साथ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड किया है और साथ में मैंने इसमें खुश्क धनिया जो है वो पिसा हुआ डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड करना है। ये तिक्का मसाला ऐड करने से भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। प्लेट जो है वो मैंने जब शामी कबाब बनाए थे उसमें भी मैंने ग्रीस कर दी थी, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो शामी कबाब और ये जो आलू चिकन के कबाब हैं ये नीचे चिपकेंगे नहीं। आपने अपनी पसंद के जिस साइज़ के भी आपको पसंद है छोटे बड़े कबाब बना लेने हैं और फिर इनको आप 1 से 2 माह तक फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे कबाब बना के इनको फ्रीज कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ शामी कबाब और आलू चिकन के कबाब की रेसिपी शेयर की है। सोन में आपके साथ चिकन रेशा कबाब की भी रेसिपी शेयर करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी।
जी तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मेनी वीडियोस कमिंग अप. लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस वांट मी टू डू फॉर नेक्स्ट वीडियो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.